हेलो नमस्कार, माय नेम इज गोलू कुमार। आई एम टेकिंग केयर ऑफ नॉर्थ वन जोन। तो आज हम लोग स्मार्ट एसी को स्मार्ट ऐप के थ्रू कैसे कनेक्ट करते हैं, कैसे बाइंड करते हैं, हम उसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग प्ले स्टोर पे जाएंगे। यहाँ पर आप जूम करके दिखा सकते हैं। प्ले स्टोर पे जाने के बाद हाई स्मार्ट ऐप ऑलरेडी जैसे मैंने सर्च किया और इंस्टॉल किया हुआ है, तो यहाँ पर डायरेक्ट ओपन का ऑप्शन आ रहा है। आप यहां पर इंस्टॉल करने के बाद ओपन करेंगे तो इस तरह की स्क्रीन आएगी। आप सबसे पहले अपने अकाउंट को यहां पर रजिस्टर्ड करेंगे। जैसे कि मैंने ऑलरेडी लॉगिन किया हुआ अपने मोबाइल नंबर से, तो सिंपल मोबाइल नंबर से लॉगिन करना है। और लॉगिन करने के बाद आपको ये स्क्रीन होम पेज आएगा। यहां पर आप प्रेस करेंगे प्लस के सिंबल पे। प्लस के सिंबल पे प्रेस करके जैसे कि आपको यहां पर कैटेगरी मिल जाएगी, एयर कंडीशनर, लॉन्ड्री, टीवी, रेफ्रिजरेटर, जो हमारी जितनी भी कैटेगरी है हमारी हायर ब्रांड की। तो हमें एयर कंडीशनर को वाइंड करना है, तो इसमें हम सबसे पहले एयर कंडीशनर को प्रेस किया और जहां हमारा जो थर्ड ऑप्शन है सेपरेटेड एयर कंडीशनर, इस पर प्रेस करना है। प्रेस करने के बाद यहां पर मॉडल सिलेक्शन करना है, जो कस्टमर एंड पे मॉडल होगा। यहां पर आप जूम करके दिखा सकते हैं, ये मॉडल है HSU 18K PYFR 3VE1। तो यही मॉडल हम इसमें मोबाइल ऐप में सर्च करेंगे, PYFR। ठीक है, तो हमारे सामने ये मॉडल आ गया। ये देखिए, ये मॉडल शो होने के बाद हम प्रेस करेंगे तो यहाँ पर ये बोल रहा रीकनेक्ट टू द पावर। तो रीकनेक्ट टू द पावर के लिए जब भी एसी पहले से स्टार्ट है तो हमें एसी को ऑफ करना है। ऑफ करने के बाद कुछ सेकंड रुकना है, कुछ सेकंड रुकने के बाद हमें दोबारा ऑन करना है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, मैंने दोबारा रीस्टार्ट किया एसी को, फिर मैंने नेक्स्ट प्रेस किया। यहां पर ये बता रहे हैं आफ्टर पावर ऑन एयर कंडीशनर होल्ड पावर बटन फॉर 5 सेकंड। तो यहां पर वाईफाई एक्टिवेट करने के लिए ये जो पावर वाला बटन है मैं 5 सेकंड प्रेस करके रखूंगा। 5 सेकंड प्रेस करने के बाद एक बजर साउंड आई, टेम्परेचर मेरा 30 डिस्प्ले पे भी हो गया और रिमोट के डिस्प्ले पे भी हो गया। तो उसके बाद हम लोगों ने ये जो राइट का सिंबल है इस पर प्रेस करना है, जिससे क्या है जो हाइड था नेक्स्ट बटन वो अनहाइड हो जाए। हमने नेक्स्ट प्रेस किया। यहाँ पर वाईफाई सिलेक्शन करना है आपको। हमेशा ध्यान रखना जब भी आप वाईफाई नेटवर्क सिलेक्ट करेंगे तो आपको 2.4G सिग्नल ही कनेक्ट करना है। 5G पे करेंगे तो कनेक्ट नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर फिर उसके बाद अब मैं पासवर्ड इसका फिल कर रहा हूँ। फिल करने के बाद कनेक्ट नेट, यहाँ पर थोड़ा सा टाइम लगेगा जब भी कनेक्ट होगा डिवाइस। यहाँ पर आप सेपरेटेड एयर कंडीशनर प्रेस करेंगे। प्रेस करने के बाद ये ऐप आपको डायरेक्टली वाईफाई सेटिंग में लाएगा। यहाँ पर आने के बाद आपको सर्च करना है UAC। लास्ट के 4 डिजिट हमेशा चेंज हो सकते हैं, मॉडल टू मॉडल डिपेंड करेगा, बट स्टार्टिंग का जो 3rd डिजिट है UAC ये हमेशा सेम रहेगा। तो हमें इसे प्रेस करना है। इसे प्रेस करने के बाद जब ये कनेक्टेड हो जाएगा, जैसे कनेक्टेड यहाँ पर शो हो रहा है, फिर हम बैक बटन दबाएंगे। बैक बटन दबाने के बाद ये ऑटोमेटिकली सारा प्रोसेस होगा। तीनों जगह राइट टिक आ जाएगा 1, 2, 3 पे। और राइट टिक होने के बाद यहाँ पर हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। तो एक बजर साउंड आई, 29 टेम्परेचर यहाँ पर हो गया। इसका मतलब है हमारा जो ऐप से एसी कनेक्ट हो चुका है। यहाँ पर हम लोग लोकेशन सेलेक्ट करेंगे कि हमारा एसी इंस्टॉल कहाँ पर है, लिविंग रूम, बेडरूम। जैसे कि बेडरूम में अगर एसी लगा तो आप बेडरूम सेलेक्ट करके यूज़ इमिडिएटली प्रेस करेंगे। यहाँ पर ये लोडिंग होगा, कुछ विद इन 1 मिनट कंप्लीट हो जाता है। तो कनेक्ट होने के बाद हम लोग इस ऐप को कहीं से भी यूज़ कर सकते हैं ऐप के थ्रू इस एसी को, और कोई भी लिमिटेशन नहीं है अपना डेटा आप ऑन करके। बस हमेशा ध्यान रखिए जब भी आप अपने एसी को सिग्नल देंगे मोबाइल ऐप के थ्रू, आपका एसी स्टैंड बाई मोड में होना चाहिए। स्टैंड बाई मोड का मतलब होता है कि पावर से ऑन होना चाहिए, भले ही आप रिमोट से ऑफ रखें, और आपका वाईफाई हमेशा ऑन रहना चाहिए। क्योंकि जब आप सिग्नल देंगे तो वाईफाई जो आपके घर में राउटर है उसके थ्रू ही सिग्नल एसी तक पहुंचेगा। तो थैंक यू, धन्यवाद।